क्या हम चेराव नृत्य सीखें? शुभ संध्या दादी माँ, यह स्वेटर बढ़िया लग रहा है। धन्यवाद मीनू, मैं यह तुम्हारे लिए बुन रही हूँ, तुम इसमें बहुत सुंदर दिखोगी। अरे पर तुम सब जा कहाँ रहे हो? दादी माँ, हम बगीचे में खेलने जा रहे हैं, क्या आप भी हमारे साथ चलेंगी? चलो, मुझे भी अब ज्यादा काम नहीं है, मैं भी चलकर तुम्हारा खेल देखूंगी। दादी माँ, आज विद्यालय में एक नया लड़का आया है, आज वह भी हमारे साथ खेलने आएगा। नया दोस्त? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, वह कहाँ से आया है? मैं आपको मानचित्र में दिखाता हूँ दादी माँ, देखो वह इस राज्य से आया है, वह मिजोरम राज्य से आया है, उसका नाम तोमचा है। तोमचा अच्छा नाम है, बस अब तुम समझदार होते जा रहे हो। अच्छा, क्या तुम मुझे मिजोरम के आसपास के राज्यों के नाम बताओगे? मुझे मानचित्र को ध्यान से देखना पड़ेगा। बस इधर देखो, यह मणिपुर है, यह असम और यह त्रिपुरा है। ओह, तो मिजोरम के नजदीक तीन राज्य हैं, मगर देखो यहाँ बांग्लादेश भी है, वह क्या है? बस बांग्लादेश एक अलग देश है। ओह, यह दूसरा देश है, देखो मिजोरम एकदम किनारे पर है, मगर यहाँ अन्य राज्य भी हैं, वे क्या हैं? बस भारत के इस उत्तर पूर्वी भाग को एक बड़ा दिलचस्प नाम दिया गया है। उत्तर पूर्वी भाग? कैसे? देखो यह भारत का मानचित्र है, ये राज्य भारत के पूर्वी हिस्से में है, ये भारत के उत्तरी हिस्से में भी है, इसीलिए हम इसे भारत का उत्तर पूर्वी हिस्सा कहते हैं। ओह ऐसा है, उत्तर और पूर्व, तो उत्तर पूर्वी। मीनू, वो दिलचस्प नाम क्या है? इन्हें सात बहनें कहा जाता है। सात बहनें? मगर क्यों? क्योंकि यहाँ सात राज्य हैं। मानचित्र में देखो, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये सात राज्य हैं और इन्हें सात बहनें कहा जाता है। ओह कितना दिलचस्प नाम है, मैं तोमचा को भी बताऊंगा, वह सोचेगा कि मैं समझदार हूँ। ज्यादा खुश मत हो, मैं उसे बता दूंगा कि तुम कुछ नहीं जानते। दादी माँ, चीनू को देखो, वह मेरा मजाक उड़ा रहा है, अब मुझे बहुत कुछ आता है। अच्छा अब तुम दोनों लड़ना बंद करो, देखो हमारे सभी दोस्त यहाँ हैं। मुझे साहिल, शीला, सलीम और पीटर भी दिख रहे हैं। देखो वहाँ तोमचा भी है। सभी को मेरी नमस्ते। नमस्ते चीनू। नमस्ते मीनू। तोमचा, ये हमारी दादी माँ है। नमस्ते दादी माँ। नमस्ते तोमचा। तो तुम हो नए दोस्त, तुम कितने प्यारे हो, तुम हमारे गांव में कब आए? हम कल ही यहाँ आए हैं दादी माँ, मेरे पिताजी बैंक में काम करते हैं, उनका तबादला एजवल से इस जगह पर हो गया है। एजवल? वह कहाँ है? बस एजवल मिजोरम की राजधानी है, वे वहाँ बैंक में काम करते थे, अब उनका तबादला इस गांव में हो गया है, इसलिए अब वे गांव के बैंक में काम करेंगे, हम गांव में ही रहेंगे। दादी माँ, इसीलिए इसने हमारे विद्यालय में दाखिला लिया है। तोमचा,
क्या मिजोरम में बहुत सारे बच्चे विद्यालय जाते हैं? मिजोरम में अधिकांश बच्चे विद्यालय जाते हैं। बहुत सी जगहों पर सड़कें बिल्कुल भी नहीं हैं। हमारे यहाँ केवल पहाड़ी रास्ते ही हैं। मिजोरम में बहुत सारे जंगल हैं। कभी कभी बच्चों को विद्यालय पहुँचने के लिए जंगलों में से गुजरना पड़ता है, मगर फिर भी बच्चे विद्यालय जाते हैं। मुझे पता है, मैंने पुस्तक में पढ़ा था कि केरल के बाद मिजोरम ही ऐसा राज्य है जहां अधिकांश बच्चे विद्यालय जाते हैं। केरल? केरल कहाँ है? वहाँ क्या होता है? बस देखो, यह केरल है। इस राज्य में लगभग सभी लोग पढ़ लिख सकते हैं। इस राज्य में सभी बच्चे विद्यालय जाते हैं। ओह, यह तो सचमुच अच्छी बात है। हमारे गांव के बहुत से लोग पढ़ लिख नहीं सकते। ठीक कहा, सभी राज्यों को केरल और मिजोरम जैसा बनना चाहिए। सभी को विद्यालय जाकर पढ़ना लिखना सीखना चाहिए। तोमचा, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ विद्यालय जाते थे? हाँ, बस मेरे बहुत सारे दोस्त थे। हम पैदल विद्यालय जाया करते थे। विद्यालय के रास्ते में हम गाते और नाचते थे। हमें भी विद्यालय जाना पसंद है। मुझे भी विद्यालय जाते हुए गाना अच्छा लगता है। हम खेतों में से निकलते हैं, तब हम एक पंक्ति में चलते हैं। कभी कभी फसल हमसे भी ऊंची होती है। उसे एक हाथ से छूते हुए हम दौड़ते हुए निकल जाते हैं, तब वे झूमने लगती हैं। तोमचा, क्या मिजोरम के खेतों की फसल भी यहाँ के खेतों जितनी लंबी होती है? होती है, मगर कभी कभी खेत सिर्फ खाली ही होते हैं। खेत खाली होते हैं? ऐसा कैसे होता है? क्या किसान खेतों में कुछ नहीं बोते? वे बोते हैं, मगर कभी कभी खेत खाली रह जाते हैं। वह इसलिए क्योंकि मिजोरम में हम झूम खेती करते हैं। झूम खेती? वह क्या है? झूम खेती में तुम क्या करते हो? मैं झूम खेती के बारे में जानती हूँ। यह खेती करने का एक तरीका है। बस झूम खेती में किसान अपने खेत में फसल उगाता है। फसल कटाई के बाद वह जमीन को कुछ वर्ष के लिए ऐसे ही छोड़ देता है। वहाँ कुछ भी उगाया नहीं जाता। वहाँ कुछ भी उगाया नहीं जाता? दादी माँ, खेत को खाली छोड़ दिया जाता है। दादी माँ ठीक कह रही हैं। खेत को खाली छोड़ा जाता है, इसीलिए मैंने कहा कि कभी कभी खेत खाली रहते हैं। जब खेत खाली होते हैं, तब वहाँ स्वयं ही कुछ घास पात और बांस उग जाता है। इन्हें भी उखाड़ा नहीं जाता। किसान इस घास पात और बांस को तोड़कर जलाते हैं। जलने के बाद बची राख जमीन को उपजाऊ बनाती है। मगर दादी माँ, तोमचा ने बताया कि मिजोरम में बहुत सारे जंगल हैं। अगर आग फैल जाए और पेड़ों को नष्ट कर दे तो क्या होगा? क्या ये खतरनाक नहीं है? नहीं मीनू, घास पात और बांस को जलाते समय किसान सावधानी बरतते हैं। वे इसे ध्यान से जलाते हैं ताकि आग जंगल के अन्य भागों में न फैले। ठीक कहा। फिर किसान जांचते हैं कि जमीन खेती के लिए उपजाऊ बनी या नहीं। इसके बाद किसान बहुत आराम से खेत को खोदते हैं। खेत खोदते हैं? क्या वे खेत जोतते नहीं दादी माँ? नहीं जीनू, खेत को जोता नहीं जाता।
इसे कोमलता से खोदा जाता है। फिर किसान खेत में बीज डालते हैं। मेरे दोस्त के पिताजी मिजोरम के एक किसान हैं, तो मैं उनके साथ जाकर खेत में बीज डाला करता था। वे एक ही खेत में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं। विभिन्न फसलें जैसे क्या? जैसे चावल, मक्की, सब्जियां, मिर्च और अन्य वस्तुएं। वहां फसल के साथ निकले घास पात को खींचा नहीं जाता, इन्हें सिर्फ काट कर छोड़ दिया जाता है। वे मिट्टी में मिलकर उसको उपजाऊ बनाते हैं। कितना अच्छा तरीका है! घास पात मिट्टी में मिलकर उसे उपजाऊ बनाते हैं। तोमचा, तुमने बताया कि मिजोरम में विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं, मगर वहां उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है? मुख्य फसल चावल है। मिजोरम में चावल बहुत उगाया जाता है, मगर कटाई के बाद इसे घर ले जाना बहुत कठिन होता है। मुझे पता है क्यों। तुमने बताया कि बहुत से स्थानों पर सड़कें नहीं हैं, वहाँ सिर्फ पहाड़ी रास्ते हैं। इन पहाड़ी रास्तों पर चावल की बड़ी बोरियां उठाना सचमुच मुश्किल काम है। तुमने ठीक कहा, इसीलिए लोग फसल को अपनी पीठ पर लादते हैं। पूरा अनाज उठाने में कई सप्ताह लग जाते हैं। तुमचा, क्या फसल कटाई पर तुम्हारे यहाँ कोई विशेष उत्सव होता है? हमारे गांव में तो सारा गांव मिलकर त्योहार मनाता है। हम मिलकर पकाते और खाते भी हैं। लोग खुशी से नाचते और गाते हैं। हम भी मिजोरम में ऐसा ही करते हैं। हम भी मिलकर पकाते और खाते हैं। हम गीत भी गाते हैं। हम एक विशेष नृत्य करते हैं। इसे चेराउन नृत्य कहते हैं। चेराउन नृत्य, तुम इसे कैसे करते हो? इस नृत्य में लोग एक दूसरे के सामने जोड़े में बैठते हैं। प्रत्येक व्यक्ति बांस के दो डंडे पकड़ता है और इसे जमीन पर रखता है। फिर कुछ लोग नगाड़े बजाते हैं। ढोल की आवाज के साथ बांस के डंडों को जमीन पर बजाया जाता है। फिर नृतक बांस के डंडों के भीतर और बाहर आते हैं और ढोल की आवाज पर नृत्य करते हैं। ओह, मैंने टीवी पर यह नृत्य देखा है। यह बहुत सुंदर नृत्य है। मैंने नर्तकों को नगाड़े की आवाज पर बहुत अच्छा नृत्य करते देखा है। उन्हें यह बहुत ध्यान से करना पड़ता है, नहीं तो चोट भी लग सकती है। क्या तुमने ध्यान दिया? यहाँ के लोग उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जो इनके प्रदेश में मिलती हैं। मिजोरम में बांस बहुतायत में पाया जाता है, इसीलिए वे चिरू नृत्य में भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे झारखंड में वे साल के पेड़ के पत्तों से थाली बनाते हैं। हाँ दादी माँ, हर स्थान की कोई विशेष वस्तु होती है। मीनू, हमें भी चिरू नृत्य सीख कर अगले महीने अपने विद्यालय के कार्यक्रम में दिखाना चाहिए। अगले महीने? मगर मैं यहाँ गांव में नहीं रहूँगा। गोपी, तुम यहाँ क्यों नहीं होगे? तुम कहाँ जा रहे हो? ओ तोमचा, गोपी अपने माता पिता के साथ करीब 5 महीने के लिए किसी और स्थान पर जा रहा है। हमारे गांव से बहुत सारे परिवार ऐसे ही चले जाते हैं। अगले कुछ महीनों में बारिश बिल्कुल नहीं होगी,
इसलिए खेतों में कोई काम भी नहीं होगा। इसीलिए वे अपनी कई टन जमीन छोड़कर अन्य जगहों पर चले जाएंगे। जमीन के टिन? तुम्हारा क्या मतलब है तोमचा? मैंने पहले कभी जमीन के टिन नहीं सुने। ओ, मिजोरम में हम जमीन को ऐसे ही नापते हैं। अगर हम जमीन के एक टुकड़े में एक टिन बीज उगाते हैं तो इसे हम एक टिन जमीन कहते हैं। अगर जमीन के किसी टुकड़े पर तीन टिन बीज उगाए जा सके तो इसे तीन टिन जमीन कहते हैं। क्या तुम भी ऐसे ही कहते हो? नहीं, हमारी जमीन बीघे में नापी जाती है। इसे एक बीघा जमीन, दो या तीन बीघा जमीन भी कहा जाता है। यह तुमसे अलग है। हाँ बच्चों, विभिन्न स्थानों पर जमीन की माप का तरीका अलग होता है। कुछ स्थानों में ये रोपनी में मापी जाती है और कुछ अन्य स्थानों पर काथा में। ओ, तो यह हमसे भिन्न है। यहाँ तक कि हर साल जोतने के लिए किसको कितनी भूमि मिलेगी और कौन सी भूमि मिलेगी, यह भी भिन्न होता है। जोतने के लिए किसको कितनी भूमि और कौन सी भूमि मिलेगी, यह भी भिन्न है। ऐसा कैसे हो सकता है तोमचा? ओ चीनू, मैं इसके बारे में जानती हूँ। मुझे पता है कि मिजोरम के गाँव में यह कैसे भिन्न होता है। गाँव की सारी जमीन पूरे गाँव की होती है। प्रतिवर्ष गाँव की पंचायत लॉटरी डालती है। प्रत्येक परिवार बांस की बड़ी टोकरी से एक एक करके पर्ची निकालता है। फिर पर्ची के आधार पर विभिन्न परिवारों को जमीन के अलग अलग टिन बांटे जाते हैं। उस वर्ष हर परिवार को उतने टिन जमीन पर खेती करनी होती है जितने उनकी पर्ची में निकलते हैं। यह तो बढ़िया है दादी माँ, जमीन पूरे गांव की होती है तो लोगों को जमीन के लिए लड़ना नहीं पड़ता। उन्हें प्रति वर्ष खेती करने के लिए जमीन के टुकड़े मिलते हैं। ठीक कहा चीनू, वे पर्ची में निकलती जमीन पर ही खेती करते हैं। दादी माँ, आप बता रही थी कि कुछ वे महीने जिनमें बिल्कुल वर्षा नहीं होगी तब बहुत से परिवार गांव छोड़कर चले जाते हैं। वे कहाँ जाते हैं? वे उन गांवों में जाते हैं जहां गन्ना उगाया जाता है। वे अपने परिवार को साथ ले जाते हैं। दादी माँ, तब गन्ना कैसे उगता है? आपने तो कहा था कि वर्षा बिल्कुल नहीं होती। बस वर्षा न होने पर भी गन्ने की खेती की जा सकती है। मगर दादी माँ, अगर हमारे गांव में पर्याप्त पानी हो तो क्या फिर भी वे यहाँ से जाएंगे? नहीं चीनू, मगर हमारे गांव में खेतों की सिंचाई का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। सिंचाई के विभिन्न तरीके हैं, जैसे नहरें, नलकूप, रहट या जल चक्कियाँ। जब मैं छोटी थी तब हमारे गांव में रहट हुआ करते थे और हमें पानी में खेलने में बड़ा मजा आता था। दादी माँ, पिताजी के खेत में मैं भी नलकूप पर खेलता हूँ, इसमें बड़ा मजा आता है। मगर कुछ महीनों तक अपने माता पिता के साथ जाने से क्या गोपी का विद्यालय छूट नहीं जाएगा? हाँ, यह एक बड़ी समस्या है। इन महीनों में बहुत से बच्चों का विद्यालय छूट जाता है। कभी कभी अध्यापक भी इन्हीं के साथ चले जाते हैं और इस दौरान इन्हें पढ़ाते रहते हैं। मगर हमेशा तो ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए इन सभी का विद्यालय जाना छूट जाता है। इसीलिए मैंने
पंचायत को बताया था कि मैं उन सभी दादा और दादियों के साथ मिलकर एक समूह बनाऊंगी जो अपने परिवार के साथ यहाँ से नहीं जाते हैं। तो हम सभी मिलकर अपने गांव के सभी बच्चों का ध्यान रख सकते हैं। माता पिता उन्हें यहाँ छोड़कर जा सकते हैं और फिर उन्हें विद्यालय भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। वे मेहनत करके अपनी जिंदगी में सुधार ला सकते हैं। यह तो अच्छा विचार है दादी माँ, आप इस समूह की नेता बन सकती हैं। दोस्तों, क्या तुम्हारे माता पिता भी नौकरी के लिए कुछ महीनों तक अन्य स्थानों पर जाते हैं? क्या तुम भी उनके साथ जाते हो? क्या तुम उस समय में अपने विद्यालय को याद करते हो? तुम अपनी अध्यापिकाओं और अपने गांव के बुजुर्गों से बात करके विद्यालय आते रहने की कोशिश क्यों नहीं करते? अच्छा रहेगा ना? क्या अब हम रिक्त स्थानों को भरने में तोते की मदद करें? और इन सात राज्यों को सात बहनें कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय, इन सात राज्यों को सात बहनें कहा जाता है। मिजोरम की राजधानी है ऐज़वाल। मिजोरम की राजधानी ऐज़वाल है। अकेला ऐसा राज्य है जहां 100% साक्षरता है। केरल, केरल अकेला ऐसा राज्य है जहां 100% साक्षरता है। मिजोरम में खेती होती है।
झूम मिजोरम में झूम खेती होती है। मिजोरम के लोग नाम का एक खास नृत्य करते हैं। चेराओ मिजोरम के लोग चेराओ नाम का एक खास नृत्य करते हैं। मिजोरम की मुख्य फसल है चावल। मिजोरम की मुख्य फसल चावल है। मिजोरम में जमीन को सिनापा जाता है। तीन मिजोरम में जमीन को टीन सिनापा जाता है। और सिंचाई के विभिन्न तरीके हैं। नहर ट्यूबवेल पानी की चक्री नहर ट्यूबवेल और पानी की चक्री सिंचाई के विभिन्न तरीके हैं। क्या आप निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत जानने में खरगोश की मदद करेंगे? मिजोरम में किसान हर साल लॉटरी से खेती करने के लिए जमीन पाते हैं। सही मिजोरम में पैदा की जाने वाली मुख्य फसल गेहूं है। गलत मिजोरम में बांस बहुत होता है। सही मिजोरम दक्षिण भारत में स्थित एक राज्य है। गलत अधिक बारिश न होने पर भी गन्ना उगाया जा सकता है। सही केरल में झूम खेती की जाती है।
गलत। अब हम इन सवालों के संक्षिप्त उत्तर देंगे। दोस्तों, आप भी मेरे साथ उत्तर दोगे। उत्तर को अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो। मिजोरम राज्य कहाँ है? भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में। मिजोरम की राजधानी ऐज़वाल। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित 7 राज्यों को क्या कहते हैं? सात बहने। मिजोरम का नृत्य चेराओ नृत्य। मिजोरम की खेती झूम खेती। मिजोरम की मुख्य फसल चावल। मिजोरम में जमीन को किससे नापते हैं? टीन। मिजोरम में खेती की जमीन का संबंध किससे है? किसी एक से नहीं बल्कि पूरे गांव से है। मिजोरम में किस जमीन पर कौन खेती करेगा, यह कैसे तय किया जाता है? लॉटरी से। सिंचाई के विभिन्न तरीके, नहर, ट्यूबवेल और पानी की चक्री। दोस्तों, अब तो आप जानते हैं कि चेराओ नृत्य के लिए बांस की लकड़ियों को कैसे रखा जाता है। अब मैं इसे बनाता हूँ, क्या आप भी मेरे साथ इसे बनाएंगे? दोस्तों, आओ अब हम इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आप उत्तर को अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। क्या आप उन 7 राज्यों के नाम बता सकते हैं जिन्हें 7 बहने कहा जाता है? मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा।
क्या आप जानते हैं कि केरल और मिजोरम में क्या समानता है? दोनों ही राज्यों में अधिकतर सभी बच्चे विद्यालय जाते हैं। झूम खेती कैसे की जाती है? झूम खेती में फसल के बाद खेतों को खाली छोड़ दिया जाता है। उसमें उगे खरपतवार या बांस को उखाड़ा नहीं जाता, उन्हें काटकर जला दिया जाता है। उनकी राख खेत को उपजाऊ बनाती है। जब जमीन खेती के लिए तैयार होती है तो इसे हल्का सा खोद दिया जाता है, जोता नहीं जाता। फिर इसमें बीज बोए जाते हैं। ऐसे खेतों में किस प्रकार की फसल उगाई जा सकती है? एक ही खेत में अलग अलग प्रकार की फसलें जैसे मकई, चावल, मिर्ची या सब्जियां उगाई जा सकती हैं। मिजोरम में फसल काटने के बाद किसान किस तरह उत्सव मनाते हैं? पूरा गांव इकट्ठे उत्सव मनाता है। वे एक साथ खाना पकाते, खाते, गाते व नाचते हैं। इस अवसर पर चेराव नाम का एक खास नृत्य करते हैं। चेराव नृत्य कैसे किया जाता है? इस नृत्य में नर्तक जोड़ी आमने सामने बैठती है। वे बांस को दोनों किनारों से पकड़कर ढोल की ताल के साथ जमीन पर मारते हैं। नर्तक ढोल की ताल पर नाचते हुए बांस की डंडियों के बीच अंदर बाहर कूदते हैं। मिजोरम के किसान अपनी जमीन कैसे नापते हैं? मिजोरम के किसान अपनी जमीन को टीन में नापते हैं। जैसे जिस जमीन पर एक टीन बीज बोया जा सकता है उसे एक टीन जमीन कहते हैं, और जिस जमीन पर दो टीन बीज बोया जा सकता है उसे दो टीन जमीन कहा जाता है। क्या हर जगह जमीन टीन में नापी जाती है? नहीं, अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीकों से जमीन नापी जाती है। कुछ स्थानों पर बीघे में नापी जाती है, कुछ और स्थानों पर रोपानी व काथा में भी नापी जाती है। क्या आप जानते हैं आपके इलाके में जमीन किस तरह नापी जाती है? फिर मिलेंगे मित्रों।